दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बदलते समय के साथ साथ लोग भी बदलते जा रहे हैं और लोग अपने काम करने के तरीकों को भी बदलते जा रहे हैं। इसी के चलते आज के समय के लोग अपना खेती का काम भी ज्यादातर मशीनों से ही करवाते चले आ रहे हैं। खेत से जुड़े हर एक काम को करने के लिए अलग अलग तरह की मशीन्स आज हमारे बीच में उपलब्ध हैं, जिन्हें देखकर हर किसी के होश ही उड़ जाते हैं। कई ऐसे मशीन्स भी हैं जो कि खेती करने से पहले खेत को साफ करते हैं, तो कोई मशीन पूरी खेती ही करके दे देती है। तो दोस्तों, अगर आप भी खेतों में इस्तेमाल होने वाले इन सभी मशीनों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में 6 एग्रीकल्चर मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। नंबर 1, फॉरेज हार्वेस्टर मशीन। दोस्तों, सबसे पहले हम आपके लिए एक ऐसी मशीन लेकर हाजिर हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके कोई भी किसान बड़ी ही आसानी से अपनी खेती कर सकता है। इस मशीन का उपयोग तब किया जाता है जब एक फसल से हरे भरे खेत को साफ करना होता है, और तब इस फॉरेज हार्वेस्टर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जितना विशाल का यह मशीन दिखता है, उतना ही ताकत भी यह मशीन अपने अंदर रखती है। जी हाँ दोस्तों, यह मशीन इतनी बड़ी और इतनी फुर्तीली है कि किसी भी खेत को चुटकी बजाते ही साफ कर सकता है। दरअसल दोस्तों, जब कोई किसान इस मशीन का इस्तेमाल अपने खेत में करता है तो सबसे पहले यह मशीन एक तरफ से अपना काम करना शुरू कर देती है। इस मशीन के आगे लगे टूल्स की मदद से फसल कटी जाती है और कटी हुई फसल को पीछे लगे ट्रक में छोड़ दी जाती है। इस मशीन में पीछे की ओर 4 से 5 ट्रक मौजूद रहते हैं जिसमें आगे कटी हुई फसल पीछे गिरती जाती है। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, इस मशीन का आविष्कार सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, लेकिन बदलते वक्त के साथ आज इस मशीन का इस्तेमाल भारत देश में भी किया जाने लगा है, जिसकी मदद से कई महीनों का काम सिर्फ एक दिन में बड़ी ही आसानी के साथ किया जाता है। इसके अलावा फसल काटने की मशीन कई तरह की होती है। कुछ मशीन सिंगल ट्रैक की होती है और कुछ मशीन 4 से 5 ट्रक वाली होती है, जिनमें कटी हुई फसल को मशीन के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। नंबर 2, दी कैरेट हार्वेस्टर। दोस्तों, अभी तक आप सभी लोगों ने जमीन में उगी सब्जियों को निकलते हुए देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल खेत में उगी गाजर निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जहां एक आम इंसान खेतों में से एक एक गाजर निकाल कर इकट्ठा कर पाता है, वही ये मशीन सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटों में पूरा खेत ही खाली करके आपके सामने रख देती है। ये मशीन इतनी ज्यादा एडवांस्ड है कि इसका इस्तेमाल अब ज्यादातर सभी जगहों पर किया जाने लगा है। जब इस मशीन को खेत पर उतारा जाता है, तब मानो चुटकी बजाते ही ये पूरा खेत ही साफ हो गया हो। जब इस मशीन को खेत में उतारा जाता है, तब इस मशीन में लगे आगे वाले दांत जमीन के अंदर घुसकर गाजर को ऊपर की ओर खींचते हैं। जब गाजर इस मशीन के साथ ऊपर निकल के आते हैं, तब मशीन में लगी कन्वेयर बेल्ट की मदद से सिर्फ गाजर उस ट्रक में लोड हो जाती है और गाजर के ऊपर लगी घास ट्रक से बाहर खेत में गिरती चली जाती है। और इस मशीन से कैरेट हार्वेस्टिंग का काम बहुत ही इजीली किया जा सकता है। आपको बता दें, जहां पहले के लोग इस काम को करने में कई दिन लगा दिया करते थे और इतने दिन लगाने के बाद भी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में गाजर को नहीं इकट्ठा कर पाते थे, लेकिन इस मशीन की बदौलत आज के समय लोग अपना समय बचाने के साथ साथ क्वांटिटी पर भी ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। नंबर 3, फ्लेमिंग ट्रैक्टर। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं फ्लेमिंग ट्रैक्टर को। इस ट्रैक्टर का नाम सुनते ही आप सभी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर इस फ्लेमिंग ट्रैक्टर का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है। तो हम आप सभी को बता दें, इस फ्लेमिंग ट्रैक्टर का तब इस्तेमाल किया जाता है जब खेतों में नई फसल लगानी होती है। ऐसा इसीलिए ताकि खेत में मौजूद लगी पहली फसल या फिर गंदगी पूरी तरीके से नष्ट हो सके। इसी वजह से पूरे खेत में इस फ्लेमिंग ट्रैक्टर को चलाया जाता है। आप सभी को बता दें, इस फ्लेमिंग ट्रैक्टर में सॉइल कल्टीवेशन मशीन लगी होती है, जिसकी मदद से ये ट्रैक्टर नीचे की तरफ आग फेंकता है और खेतों में मौजूद गंदगी को साफ करता है। दरअसल जब इस सॉइल कल्टीवेशन मशीन को लगाया जाता है, तब इस ट्रैक्टर में कई नोजल्स भी लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से आग नीचे की तरफ छोटे छोटे नोजल से निकलती है और पूरे खेत को एकदम साफ कर देती है, जिसके बाद से किसान इस खेत में दूसरी फसल लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को तब तक किया जाता है जब तक खेतों में नई नई फसल को लगानी होती है। नंबर 4, बैरियल मायर मशीन। दोस्तों, जब कभी आप किसी गार्डन में या फिर पार्क में घूमने जाते हैं,
तो वहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि कितनी बराबर घास कटी रहती है जिस पर लोग चलते हैं। हालांकि अब भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग छोटी सी मशीन के जरिए इस घास को काट कर सेट करते हैं, लेकिन आज के इस बदलते वक्त के साथ साथ लोगों ने काम करने वाली मशीनों को भी बदल ही दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैरियल माया मशीन के बारे में, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े गार्डन्स को साफ करने के लिए किया जाता है। ये मशीन इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि इसे कहीं पर भी बहुत ही आसानी से चला जा सकता है, चाहे वो ऊबड़ खाबड़ जमीन हो या फिर पानी से भरे हुए गार्डन्स हो। आप सभी को बता दें, ये मशीन दो तरह की आती है, एक खुद चलाने के लिए जिसमें एक इंसान खुद बैठकर इस मशीन को कंट्रोल कर सकता है, तो वहीं दूसरी मशीन रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाई जाती है। इस मशीन को चलाने के लिए आप कहीं भी छांव में बैठ सकते हैं और इस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें, इस मशीन का इस्तेमाल गार्डन में या फिर कहीं पर भी घास को सेट करने के लिए किया जा सकता है। नंबर 5, एप्पल हार्वेस्टर। दोस्तों, आप सभी ने पेड़ से एप्पल्स को तोड़कर तो बहुत खाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एप्पल के बड़े बड़े खेतों से इन सभी को कैसे तोड़ा जाता होगा? क्या वर्कर्स इन सभी सेबों को अपने हाथों से तोड़ते हैं या फिर किसी मशीन के जरिए? तो आप सभी को बता दे, आज भी कई जगहों पर कई वर्कर्स सेबों को अपने हाथों से ही तोड़ते हैं और उन्हें स्टोर करके सेल कर देते हैं, लेकिन एप्पल हार्वेस्टिंग की एक ऐसी मशीन है जो कि इन एप्पल्स को तोड़ने का काम कुछ ही मिनटों में करके आपके सामने रख देता है। दरअसल दोस्तों, जब एप्पल हार्वेस्टिंग करते समय इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मशीन बड़ी ही सावधानी के साथ सबसे पहले सेब के पेड़ को अपने जबड़े से दबाता है और धीरे धीरे पेड़ को हिला हिला कर सारे सेब तोड़कर जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद ये मशीन जमीन पर गिरे सारे सेबों को ऐसे अपनी ओर खींचता है मानो कोई जानवर सारे सेबों को उठा उठा कर खाता चला जा रहा हो। जैसे ही सारे सेब मशीन के अंदर खींचे चले जाते हैं, वैसे ही मशीन के अंदर लगी कन्वेयर बेल्ट की मदद से वो सारे सेब पीछे बने ट्रक में गिरते चले जाते हैं और सारे सेब एक जगह पर स्टोर हो जाते हैं। इस प्रोसेस के चलते एप्पल हार्वेस्टिंग का काम कुछ ही मिनटों में पूरा कर दिया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस मशीन का इस्तेमाल सिर्फ एप्पल के पेड़ों को ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के फल को पेड़ से तोड़ने और उन्हें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, वाटर पंप। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह पेड़ पौधों को पानी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि खेतों में पानी पहुंचाना किसानों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि कुछ किसान तो बारिश के सहारे ही रहते हैं और कुछ किसान खेतों में पानी डालने के लिए डीजल इंजन वाटर पंप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के इस बदलते वक्त के साथ एक ऐसी मशीन खेतों में आकर खड़ी हो गई है जिसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है और इस मशीन को वाटर पंप के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल करना बहुत ही इजी है। जब इस वाटर पंप का इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे जरूरी होता है कि आसपास एक नहर या फिर नदी होनी चाहिए, क्योंकि जब खेतों में पानी डालना होता है तब एक ट्रैक्टर की मदद से इस वाटर पंप को उस नहर में डाला जाता है और वो अपने प्रेशर की मदद से नहर में मौजूद पानी को बाहर की तरफ फेंकता है, जिसकी मदद से पूरे खेत में पानी को डाला जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इस मशीन को 180 डिग्री तक भी घुमाया जा सकता है, जिससे पानी डालने का काम और भी ज्यादा इजी हो जाता है। इसके साथ ही इस वाटर पंप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बाढ़ आती है और खेतों में पानी भर जाता है, तब इस मशीन को खेत में डालकर उस पानी को बाहर की तरफ निकाल कर फेंक दिया जाता है, जिसके चलते इस मशीन को काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई इन सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर मशीन्स के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।